हेलो जेंटलमैन, क्या हाल है भाई आप लोगों में। छोटा सा क्विक, मैं जो है एक इंट्रो वीडियो बनाने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इसी तरह जो है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे मैंने इससे पहले जिक्र किया है, उसके अंदर हमारा ICT है, उसके अंदर MPL है, उसके अंदर जो है BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर, वो तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन क्योंकि वो कई मरतबा उसके अंदर इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको पूरा सही से समझना चाहिए। तो ये क्विक इंट्रो वीडियो है कि इसके बाद जो है बाकी इसके ऊपर जो पूरा डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, और आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बाकायदा इसका मिलेगा। राउंड अबाउट में भी कोई 15, 20, 25 वीडियो शायद इस तरह कुछ आप लोगों को मिले। अगर उससे पहले कवर हो जाता है वीडियोज में, डिपेंड करता है कि मैं कितनी लंबी वीडियोज बनाऊँ। अगर छोटी छोटी वीडियोज बनाई, 5, 5, 8, 8, 6, 6 मिनट वाली, तो इस हिसाब से तो काफ़ी सारी वीडियोज हो जाएंगी। तो बारह उसको देखते हैं हम कि उसको किस तरह लेके चलते हैं, कि ओवर द कोर्स ऑफ वन वन टू वन एंड हाफ मंथ उसको हम जो है वो पूरा करें, ताकि साथ साथ आप लोग जो है Q&A के लिए, अगर आप लोगों को कोई सवाल जवाब करना हुआ, वो सेशंस भी बीच बीच में होंगे, ताकि आप लोग ये पूरी चीज़ सीख लो। तो इसका मेन मकसद ही यही है कि आप लोग इसको सीखो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, आपको सवाल जवाब ये वो जो भी करना हो उसके लिए हम सेशन रखेंगे बाकायदा। और ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखो बस खत्म, एक दो बाकी सारे छोड़ दो, जो कि अमूमन करते हैं हमारे पाकिस्तानी लोग जो है वो दो नंबर, तो वैसे ही करते हैं, एक दो वीडियो देख के वो छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर वो बस लेने के देने पड़ जाते हैं उनको, और एट द एंड ऑफ द डे वैसे ही टटू रहते हैं और बस बकवास जिंदगी गुजारते हैं, फालतू मेंटालिटी। राइट, तो आप लोग उम्मीद है कि उसमें से नहीं हो, जो जो ये वीडियो सुन रहे हैं आप लोग उनमें से नहीं, एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। छोटा सा क्विक वीडियो ताकि आपको समझ आए कि हम करने क्या वाले हैं, इसके बाद आने क्या वाला है, पूरी जो सीरीज होगी इसकी उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। चार पांच चीजें हैं जो नॉर्मली आप लोग बेसिक्स में सीखते हो, वो क्या है कि मिसाल के तौर पे भाई ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, ये चल रहा है आपके प्राइस इधर, हमें पता है ये रेजिस्टेंस है, चाहिए ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, इसको कहते हैं रीटेस्ट, और उसके बाद फिर आप एंट्री कर दो, चाहे आप इधर एंट्री करो चाहे आप इधर एंट्री करो इस जगह पे। तो ये चीजें हमें बेसिक्स पता है। इसी तरह जो है क्या कहते हैं इसका जो अपोजिट सिनारियो है, फर्ज करें ये हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले आता है। अब होता क्या है कि प्राइस जो है वो चल रही है इधर कहीं पे, ठीक है, एक और हो गया इसका सपोर्ट कहीं पे, फिर उसके बाद वापस नीचे ऊपर नीचे वगैरह वगैरह, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये आपका मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे पता चलता है कि भाई प्राइस जो है लत से परसेंटेज वाइज मिसाल के तौर पे वो 60, 70, 80% भी ऊपर, ठीक है, वो इस प्राइस पे कभी या इस प्राइस से मीन्स इस सपोर्ट पे जो भी इसकी प्राइस होगी, क्या वो इधर आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत ही एक जबरदस्त सवाल है। और इसका बेहतरीन जवाब जो है, या थोड़ी इसको स्ट्रेटजी में अगर आप कन्वर्ट करो तो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी भी एट द सेम टाइम, अगर आपको पता चल जाए कि वहां पे प्राइस को आना ही आना है, क्योंकि बेसिकली वो सारा डिजाइन ऐसे किया गया। तो कभी भी, मैंने हजार बार कहा है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, बिल्कुल कोई बंदा ऐसे नहीं समझे कि ऑटोमेटिकली बस वो चलता है, वो हमारे हिसाब से चलता है, कि पता नहीं क्या है, कि वो प्राइस ऐसे है, कि उसका फंक्शन वैसे है, कि पता नहीं क्या, ये सब बकवास है, झूठ है, ये सब आप लोगों को जो है वो धोखेबाजी में रखा हुआ। मैं ये बातें 2 साल से कह रहा हूँ, सिवाय कोई 4-10 लोगों के, बाकियों ने मेरे ख्याल से इस चीज़ पे कभी सही से फोकस किया ही नहीं, वो मजाक समझते हैं इन चीज़ों को। तो ठीक है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मली ये सारी चीज़ें चार्ट शार्ट वगैरह फला का सारा पैटर्न चैटर, ठीक है कि ये काम आता है आप लोगों को, मगर ऑन द शॉर्ट टाइम फ्रेम्स, या फिर ये कह लो कि आपका ऑन द डेली टाइम फ्रेम, डे टू डे बिजनेस, डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे ट्रेडिंग में वो चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं। लेकिन कभी भी आप उन चीज़ों से ये देख लो कि बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस के हिसाब से लोग हैं, ट्रेड शेड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन इनमें से कितने लोग होते हैं जो एट द एंड ऑफ द डे फिर भी प्रॉफिटेबल होते हैं। तो भाई अगर लाखों लोग हैं तो लाखों में से कोई 2%, 4% ही होते, तो बाकी तो नहीं होते, जबकि पता तो सबको है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये पैटर्न है, ये फलाना ट्राइंगल है, पता नहीं क्या है, फिर ये आपका बुल फ्लैग है, और दूसरा जो है वो बेयर फ्लैग है, फिर ये है वो है, ये सारी चीज़ें तो सबको पता है, तो बच्चों को भी पता चल जाता है जब कोई साल 1.5 साल गुजार लेते हैं, बल्कि 60, 1.5 साल ज्यादा बोला है मैंने, फर्ज करें कोई 6 महीने भी गुजार लेता है कहीं पे, थोड़ी वीडियोस देख लो, ये सारी चीजें तो आपको समझ आ जाती है, मगर क्या आप उसके ऊपर हमेशा वही स्ट्रेटजी समझ के, वही स्ट्रेटजी अपना के, अप्लाई करके उसको आप पैसे बना सकते हो? तो द आंसर इज नो। 8 out of 10 times जो है इन द लॉन्ग रन आप बिल्कुल पैसे वैसे नहीं बनाते, और जो पैसे आप धक्के मार के बीच बीच में थोड़े बहुत बना भी लेते हो, तो फिर आप इन द लॉन्ग रन आप उससे ज्यादा गवा भी देते हो। तो कभी आप अपने आप से सवाल पूछो, या इस दिन देखो अपने दूसरे लोगों को कि जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग हैं या फिर क्रिप्टो शिप्टो में बड़े अरसे से हैं, तो इनकी क्यों वाट लगी हुई, वजह क्या है? कि यानी आपको अगर सारी चीज़ें पता है और आप समझते हो वो बिल्कुल बाय द बुक है, टेक्निकली बिल्कुल साउंड है और सही है, तो फिर उनकी वाट लगती क्यों, ठीक है जी? तो मैं आप लोगों को बहरहाल इसीलिए थोड़ा सा एक रिवर्स दूसरा सिनारियो जो है वो पेश कर रहा हूँ यहाँ, कि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए
मैं इसके बारे में बात करता रहता था हमेशा, कभी इधर उधर छोटा फूटा, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों को यानी जब लोग भी सही इंगेज नहीं कर रहे हो और लोगों को सही उसका मज़ा नहीं आ रहा हो, या वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर लोग ऐसे हों जिनका माइंड सेट इसी किस्म का है कि भाई आज मेरे पैसे बने मुझे कल की फिक्र नहीं, आज मुझे 10-20 डॉलर बनाने हैं बस मुझे कल की फिक्र नहीं, तो जब इस तरह के लोग हम इनकाउंटर करते हैं ना, फिर हमारी जो मोटिवेशन है वो भी ख़त्म होती है। हम कहते हैं भाई अगर आपको खुद इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या आपके पिछवाड़ी के पीछे लगे हुए और जोर लगा रहे हैं कि भाई आप सीखो। चालान से उसको उसका देखा जाए तो बिजनेस एस्पेक्ट जो है उसका, उसमें तो हमारा ही नुकसान है ना कि हमारे पास अगर लोग फर्ज करवाते हैं और सीख जाते हैं तो फिर हमें पैसे थोड़ी देंगे, वो ग्रुप में थोड़ी बैठेंगे, वो तो फिर जाएंगे अपना ग्रुप बनाएंगे, जैसे 80-90 लोगों ने जो है अपने हमारे ग्रुप से जाके ग्रुप बनाए हैं सबने, लेकिन आज वो ग्रुप चलते नहीं है। फर्क सिर्फ ये है, बना लेना बड़ा आसान है लेकिन चलता नहीं। ठीक है, तो 2-4 स्ट्रेटजी समझ के आप ये नहीं समझो कि आप ग्रुप बना लोगे, या फिर ये भी नहीं समझो कि वो काफी है कि बस आप जाके भी 50 साल पैसे बनाते जाओ, नो। तो चीज़ों के अंदर आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें सीखें। और एक एक तो वो सुना होगा कि भाई एक एक सिक्के के दो रुख होते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो है वो 5,000 रुख। ठीक है, 5,000 रुख, इसके अंदर जो मेन प्लेयर्स आपके बैठे हुए हैं उनका तजुर्बा इतना है कि जनरेशन का तजुर्बा है, 1 साल 2 साल 4 साल का तजुर्बा नहीं, जनरेशन का तजुर्बा है। ठीक है, सदियों का तजुर्बा है उन लोगों, तो आप उनके साथ कम्पीट कर रहे हो बैठ के। अब आपको पता तो होना चाहिए कम से कम कि वो है कौन, चलाते कैसे हैं, क्रिप्टो डिजाइन कैसे हुआ है, पूरा एल्गोरिदम कैसे चलता है, वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें उनका फायदा क्या, आपको नुकसान क्या, ये वो सारी चीजें। तो सिर्फ ये कह देना है, समझ लेना, अच्छा भाई एक बंदा आया उसने बिटकॉइन बनाया, भाई अभी इक्वालिटी आएगी बिटवीन द रिच एंड पुअर, इसके इसके ऊपर फिर आप लोग जाते हो, अच्छा भाई हम ये वो पता नहीं क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे, 4 लाइनें लगाएंगे, बस खत्म स्टोरी। नो, डे टू डे बिजनेस में यस इट वर्क, क्या आपने उसका नाम जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल दिया है, लेकिन इनफैक्ट जो है वो जो पूरा फंक्शन है उसका, जो पूरा उसका मतलब है वो है कुछ और, राइट? चलो हम आ जाते हैं इस चीज पे दोबारा से वंस अगेन कि भाई ये एक तो हमने कर लिया था कि प्राइस नीचे है गया, ब्रेकआउट रीचेस वगैरह वगैरह, आप लोगों ने उसको जो भी लॉन्ग शॉन्ग जो भी किया, ठीक है, और स्ट्रक्चर वगैरह देख लिए सारी चीजें। एक दूसरा है कि भाई प्राइस ऊपर जा रही है सपोर्ट है, यहाँ के प्राइस बाउंस हो गया, उसके बाद दोबारा फिर नीचे इधर फिर बाउंस हो गया, इवेंचुअली उसको ब्रेक किया, आप लोगों ने उसको कोई शॉर्ट वॉट मारा और फिर उसके बाद प्राइस नीचे, ये ठीक है, सही है, गुड। लेकिन आपको और मजा आएगा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई ये पूरा फंक्शन दरअसल करता कैसे, यानी मिसाल के तौर पे प्राइस इधर आई है, फॉर इंस्टेंस प्राइस जो है वो आपका इधर आया, क्यों बाउंस किया, यहाँ से आया क्यों है, यहाँ पे भाई क्या वजह है, यहाँ पे आया, यानी प्राइस में भी लेट से कोई 200% ऊपर चल रहा है, 50% ऊपर चल रहा है, 100% ऊपर चल रहा है, जो भी, वो क्यों आया भाई इस प्राइस क्यों आया, बेशक उसको ठान दे, इसी तरह क्यों आया इधर, ये सपोर्ट है क्यों, ठीक है, क्या वजह है, ये क्यों सपोर्ट, इस तरह के सपोर्ट और भी तो ऊपर बहुत सारे होंगे, तो उन सबको तोड़ के क्यों आए नीचे, क्या जरूरत है, एक सपोर्ट तोड़ो, दूसरा तोड़ो, तीसरा तोड़ो, छोटा छोटा पांचवा छठा करते करते इधर भी आ गए, अब इसके बाद हो सकता है और ऊपर चले जाए, लेकिन ये भी हो सकता है इसको ब्रेक करके और ठीक ठाक नीचे चले जाए। तो आप लोगों को जो है ये पूरा फंक्शन जो है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। इसमें एक चीज है जो अमूमन जो है मैं जब भी अपडेट्स देता था पहले, उसके अंदर हफ्ते में कम अज कम एक बार या फिर 2 हफ्ते में 1 बार तो मैं जिक्र जरूर करता था एक चीज का जिसको मैं कहता था इम्बैलेंस, ठीक है, और ये तो उस जमाने की बात है जब मैं ज्यादा मार्केट अपडेट्स डालता था, स्पेशली लास्ट ईयर 2021 में, डेट शीट्स के साथ, ये वो बिगनिंग ऑफ जनवरी, या बल्कि ऑल द वे नवंबर 2020 से मेरे ख्याल से, तो उसके अंदर अमूमन ये चीजें जो है वो आती थी बीच में कि बैलेंस इम्बैलेंस इम्बैलेंस, तो काफी लोग पूछते भी थे, कुछ लोगों को तो खैर समझ भी आ गया था, मगर अमूमन जाहिर है कि फिर वो भी जनरेशन की तरह है, एक जनरेशन आया क्रिप्टो का और कुछ 6 महीने रहा निकल गया, अगला आ गया, फिर गया फिर अगला आ गया, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। बहरहाल वेरी क्विकली एक चीज है जिसको हम कहते हैं आईसीटी। अब आईसीटी के बारे में आप लोग थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हो, थोड़ा जाके पढ़ चढ़ लो, या कोई आर्टिकल्स देख लो, ब्लॉग्स देख लो, जो मर्जी आप करो, थोड़ा बहुत वो भी कर सकते हो, साथ में होता है एमपीएल, ठीक है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपका होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तीनों को अगर आप मिला लो तो आपके पास एक जबरदस्त स्ट्रेटजी बन जाती है। अच्छा, अगर आपके पास ये हो ना तो आपको फिर कोई जरूरत ही नहीं कि आप लाइने लगाओ, लाइनों से मुराद ये मतलब वो वाली लाइन, कि फर्ज करो जैसे कोई आप लोग फर्ज करो वो ट्रेंड लाइन टाइप लगाते हो, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ट्रेंड लाइन लगाओ। अच्छा, इसी तरह आपको ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अगर फर्ज करो कोई ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो जैसे मैंने किया। अब अमूमन ये काम क्यों करते हैं, हम ये काम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई ये चीज प्राइस को किसी भी पर्टिकुलर प्राइस में उसको मतलब हम मार्क कर दें कि उसको हम सपोर्ट कह सकें, तो वो इंडिकेट करता है कि हाँ चाहिए हमारा सपोर्ट है, और अगर इसको फर्ज करें या ऊपर कहीं पे लगा दिया तो फिर हम उसको जो है वो समझते हैं कि हाँ भाई ये हमारा रेजिस्टेंस, इसी तरह यहाँ लगा दो सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इन सारी चीजों का
इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन चीज ये होगा कि आपने प्राइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढना है कि हमारा इम्बेलेंस कितना। यकीन करें कि 8 out of 10 times, ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है, 8 out of 10 times हमेशा तकरीबन आप लोगों को अगर वो इम्बेलेंस ढूंढ लो प्राइस, बस सिर्फ यही महारत चाहिए। मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन और तरीके में आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप लोग कोई इम्बेलेंस ढूंढना सीख जाओ तो वो आपके लिए काफी, आपको उसके अलावा कोई ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए। जो मर्जी आपका डबल बॉटम बन रहा हो, कि जो मर्जी आपका हेड एंड शोल्डर्स बन रहा हो, कि जो मर्जी बेयर फ्लैग है, कि बुल फ्लैग है, जो भी बन, सिर्फ अगर वो आप बुल फ्लैग वो इम्बेलेंस ढूंढ लो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि प्राइस जितना भी बेरिश दिख रहा हो, जो भी हो रहा हो, 8 out of 10 times वो प्राइस हमेशा आपके उस लेवल पे जरूर आएगा। ठीक है जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, हम छोटा सा इसके ऊपर वो करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम चलते हैं, कोई 4 बार घंटे पे, ताकि थोड़ा सा डेटा और जल्दी जल्दी हो जाए। और इसके लिए बारह आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, मगर स्ट्रक्चर के साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि अच्छा भाई स्ट्रक्चर क्या है, वंस अगेन वेरी क्विकली, जिनको नहीं पता स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, एक होता है आपका मार्केट का डाउन ट्रेंड और एक होता है इसी तरह अप ट्रेंड। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये करते जाते हो आप। इसके अंदर जो है आपका जो है फर्ज करो यहाँ से लो बिगिन हुआ, ठीक है, उसके बाद हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ये इस तरह चलते रहते। तो ये आपका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखने के लिए आप ये काम करते हो कि आप देखते हो कि भाई हम डाउन ट्रेंड में क्या अप ट्रेंड में। फर्ज करो अगर हम इसको यहाँ पीछे से देखें ना, बिल्कुल टॉप से यहाँ से, तो आप देखो इस ट्रेड में नीचे हमने क्या किया, ये हमारा हाईएस्ट हाई था, बिल्कुल टॉप था, उसके बाद हमने कोई और टॉप तो बनाया नहीं। क्या मतलब हुआ कि लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये हरकतें हम करते गए ऑल द वे डाउन। ठीक है जी, तो मार्केट स्ट्रक्चर आपका स्ट्रेट वे इन द डेली टाइम फ्रेम या इवन ऑन द 4 आवर्स, ये है डाउन ट्रेंड। ठीक है जी, अच्छा अब आते हैं हम इधर। कभी भी सबसे तो बेहतरीन तरीका ये कि मैं आप लोगों को हल्का फुल्का बताता हूँ, क्योंकि आज का मेन मकसद ये नहीं है कि मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊँ, सिर्फ छोटा मोटा आप लोगों को ये बताता हूँ कि जिस चीज़ को हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं ना, जैसे उसको मैं भी बेरिश रीटेस्ट के नाम से जो है वो आप लोगों को समझाता हूँ कि बेरिश रीटेस्ट बुलिश रीटेस्ट। बेरिश रीटेस्ट ये होता है कि ये आपका सपोर्ट है, प्राइस इधर है, ब्रेक किया, ये ऊपर आए रीटेस्ट, बम फेल नीचे, इसको कहते हैं बेरिश रीटेस्ट। ठीक है जी, बेरिश रीटेस्ट। इसी तरह जब इसका उल्टा होता है ना कि प्राइस ने ब्रेक किया रीटेस्ट ऊपर चला गया, इसको इसको कहते हैं हम बुलिश रीटेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि एसआर फ्लिप हुआ, यानी आपका जो है पहले सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, और उसके बाद आपका वही रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, प्राइस ऊपर चले गए। ठीक है जी, बुलिश रीटेस्ट बेरिश रीटेस्ट। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है इसको समझने का, और वो निस्बतन ज्यादा अच्छा है, शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप ये समझ जाओ तो आप लोग बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत ज्यादा होगा, आपके ट्रेड्स में सक्सेस रेट आपका बहुत ज्यादा होगा निस्बतन, क्योंकि आपको चीजों का उस अंदाज से पता चलेगा कि जिस अंदाज से स्मार्ट इन्वेस्टर्स आपके बैंकर्स इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह ये लोग ट्रेड करते हैं, ये लोग इस बिना पे ट्रेड नहीं करते। मैंने 100 बार कहा है कि भाई ये आपका जैसे हम लोग लगाते हैं, ये लगाओ कोई सपोर्ट इधर बूम, और उसके बाद भी साहब शुरू हो जाओ, चाहिए प्राइस है ये पता नहीं क्या क्या, ये काम आता है डे टू डे बिजनेस में, लेकिन ये आपका जो है अमूमन खराब भी हो जाता है। फिर इसके अंदर जो है कन्फ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ ये पता नहीं कि सपोर्ट है, चलो आगे नीचे, उसके बाद आगे ऊपर, अब लोगों को पता ही नहीं है जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ऊपर गए, लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये फंक्शन क्या है इसका, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है इस चीज़ की। 99% जो आपके बिगिनर्स या इंटरमीडिएट टाइप के लेवल के, अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो अलग बात है, पता नहीं, अदरवाइज मेजोरिटी जो है वो कौन है, बिगिनर्स अप टू इंटरमीडिएट, जिनको कोई 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल 1.5 साल हो गए, ये लोग इंटरमीडिएट में आते हैं। इन लोगों को तो पूरे फंक्शन का ही नहीं पता कि वो नीचे आने के बाद ऊपर क्यों गया। वो लोग क्या करते हैं, इधर मारा शॉर्ट, इधर आए सोच रहे हैं पता नहीं, बस पता नहीं किधर जाए, थोड़ा ऊपर आता है इधर, वो भाई निकलो निकलो निकलो, ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं या बल्कि लॉस में निकलते हैं, उसके बाद पता चलता है उनकी टीपियां लग गई। सुबह शाम लोग ये सवाल पूछते रहते हैं और आपस में भी बात करते रहते हैं, ग्रुप में भी लगे होते हैं कि भाई यार हमारे साथ ये होता है, हमें कैसे पता चले कि हमारी टीपी जो है वो कहाँ होंगी, लगेंगी नहीं लगेंगी, क्यों लगेंगी, क्या मसला है ये वो, हम जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं वो लग जाते हैं और फलां उड़न कहाँ ये। अच्छा, तो आप लोग एक चीज से अंदाजा ये लगाओ ना कि हमने पिछले 2 साल में जितने भी ट्रेड्स लिए, कोई तकरीबन 3,500, 3,500 ट्रेड्स में से जो है 70-75 के स्टॉप लॉस लगे, तो हमारे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगते? तो कोई कोई वजह होगी ना उसके पीछे। अब बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहां पे वो 10 ट्रेड देते हैं, 5 में स्टॉप लॉस लगते हैं, यहाँ पे 3,500 दे के डॉक्यूमेंटेड, और उसके आप 70-70 सिर्फ आपके जो है वो स्टॉप लॉस लग रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लड़ाओ कि सोचा करो ना कि भाई यार ये ऐसा इस बंदे के साथ क्यों, अभी हमने क्या खा के हम पैदा हुए, हमने कोई उधर जादू किया है, हमने कोई चिल्ला काटा है उधर, कोई ब्लैक मैजिक किया, किसी टटुक सा दंडवाली की हमने क्या किया?
तो कोई वजह ना उसके पीछे, वो वजह ये है कि हमें प्राइस एक्शन के फंक्शन का पता है कि भाई यार ये अगर ये इस तरह करता है तो फिर जो भी बिहेवियर है ना उसका, ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी हो रहा है आपकी एंट्री के बाद, जो भी कर रहा है, तो हमें अंदाजा है कम से कम कि यार वो फंक्शन जो है उसका पूरा, जो प्राइस बिहेवियर है वो, उसकी फंक्शन क्या है पीछे, मतलब क्या है उसका। इसलिए अमूमन हमारे ट्रेड्स निस्बतन ठीक होते हैं, निस्बतन ठीक है, यानी एक्यूरेसी आप अगर अपनी मेंटेन करते हो 90% से ऊपर, ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के 70% भी हो, 60% भी हो, स्टिल इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। 60% जो है वो, 70% वो अगर आपका एक्यूरेसी हो, इसका मतलब ये है कि आप 3 बराबर प्रॉफिटेबल। और अगर आप 90-90% पे आ जाओ, उससे भी ऊपर जाओ, और फिर तो आप अंदाजा लगाओ कि आप 8-8, 10-10 मरतबा आप प्रॉफिटेबल, ठीक है। एनीवेज, तो इम्बैलेंस। अच्छा, इम्बैलेंस क्या होता है भाई? मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक छोटा सा क्विक एक क्या कहते हैं उसको, छोटी सी मिसाल जो है वो मैं आप लोगों के लिए आप ढूंढता हूँ अभी कहीं, ठीक है। इस तरह तो है तो बहुत सारे, देखा जाए तो आपके पास इधर है, बल्कि मैं क्विकली उसको कर देता हूँ, ठीक है, इसी को उठा लें। सबसे पहले तो ये कि हमारा बैलेंस इस जगह पे। अच्छा, मैं बताता हूँ अभी क्यों। पहले तो हम ये लगाते हैं इसको ताकि आप लोगों के लिए वाजिया हो जाए, ठीक है, वाजिया हो जाए तो फिर आप लोग जो है उसको, इसको उठाओ यहाँ से। अच्छा, ये हमने लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि जब जब प्राइस यहाँ पे, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से फोकस करो, जब जब प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ थोड़ा हल्का फुल्का, यहाँ पे आपकी बाइंग लिक्विडिटी है, उसके बाद क्या हुआ है, फौरन से रैपिड ड्रॉप। जब रैपिड ड्रॉप हुआ यहाँ पे, तो इसने गैप क्रिएट किया। जब यहाँ पे गैप क्रिएट होता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का साफ सुथरा मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए थे वो सारे ट्रिगर हैं। यानी जो आपका, बच्चों वाले अल्फाज में समझाओ कि प्राइस को पूरा, यहाँ पे आपका जो माल है ना तिजोरी, उसको पूरा खाली करने के बाद नीचे जाना था, या अप टू 90% खाली करने के बाद नीचे जाना था। हुआ ये यहाँ पे कि इसने सिर्फ कोई मे भी 20-30% खाली किया, बाकी 70% सारा माल यहीं कहीं यहीं पड़ा हुआ है। अब इसको जो है वो साथ लेके जाना था, जो कि नहीं लेके गया, इसको कहते हैं हम इम्बैलेंस, ठीक है जी। अच्छा, अब इधर हुआ क्या, अब जाते हैं इधर भाई वापस, हम इधर अपना लगा देते हैं, अपना वो पूरा इम्बैलेंस एरिया जो है उसको कवर करते हैं। लेट्स से इस वाली विक से हम शुरू हुए हैं एंड ऑल द वे डाउन टू कोई तकरीबन ये वाला एरिया, ठीक है जी। अब होता कि प्राइस ने ड्रॉप किया। अच्छा, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है 99%, वो सोच रहे हैं अभी ओ क्या क्रैश हो गया, ओ बेयर मार्केट, ओ पता नहीं क्या, और ये वो भाई लुट गए, चलो बेचो भागो, ये कर। आपको डरना नहीं चाहिए, दो तरीकों से समझाता हूँ। एक जो बेसिक तरीका है जिससे सबको थोड़ा बहुत समझ आता है, वो ये सपोर्ट है ना, फर्ज करो, ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड यहाँ पे पीछे कर दे, सपोर्ट है ना, ठीक है, हो गया, मुतयन हो गया, डिटरमिन हो गया, अभी हमने ब्रेक कर दिया। अब सपोर्ट ब्रेक करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपका जो है वो सपोर्ट है, बस वो ब्रेक हुए तो खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, नो, रीटेस्ट के लिए वो जरूर रुका है। अभी इसको हम कहते हैं बच्चों वाले अल्फाज में रीटेस्ट, ये बच्चों वाले अल्फाज, इसको हम कहते हैं रीटेस्ट, जो कि बेरिश रीटेस्ट है इन दिस केस। प्राइस नीचे से जब आके वापस अपने पुराने सपोर्ट को, जो पहले था जो ब्रेक हो गया, अब वो रेजिस्टेंस बन गया है इन दिस केस ये वाला, ठीक है, ये अब रेजिस्टेंस बन गया, पहले सपोर्ट था, इसको बेरिश रिटेस्ट करने के लिए प्राइस जरूर ऊपर आएगा। किसी ने भी अगर यहाँ पे कोई लॉस वॉस किया, वो खरीदा था और पता चले नीचे आ गया स्पॉट पे या जो भी है, अगर उसकी इवन लिक्विडेशन भी नीचे है, जो मर्जी है, तो इंतजार करें, उसकी प्राइस जो है वो एक मौका जरूर उसको देगी, बिल्कुल क्लोज टू दिस एरिया, और मे बी इसी एरिया में, मे बी इससे भी थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर चले जाए, जरूर आपको यहाँ पे तकरीबन 8 out of 10 times आपको हमेशा आपको निकलने का ब्रेक इवन पे मौका मिलता है पहली दफा। हाँ, अगर आप इसको मिस कर दो, मिसाल के तौर पे कि फर्ज करें आप यानी प्राइस यहाँ पे आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते इधर पहुंच गई है, इसको कोई विक मारा है, आप सोच रहे नहीं ऊपर जाएगा ना, अभी ऊपर आ गया, पता चले आपने अपना ब्रेक इवन पे बंद नहीं किया, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, स्ट्रेट अवे डाउन गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेन मकसद है इसको ऊपर आने का, प्राइस का जो बेरिश रिटेस्ट जिसको हम जानते हैं जिस नाम से, वो आपका उसका मतलब ये है कि वहां पे लिक्विडिटी उठाने हैं, पैसा पड़ा, माल वहां पे पड़ा हुआ है जो कि पहले नहीं उठा सका क्योंकि यहाँ पे इम्बेलेंस बना हुआ है सीधे नीचे, और अभी उसके बाद जा रहा है ऊपर, और यहाँ पे वो सारा आपका माल उठाने के बाद कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है जी। अब आप इसको देखना है तुम्हारा अपना, जो दोबारा इसको करते हैं, इसको आप लोग देखो, मैं इसको प्ले करता हूँ कि प्राइस ने बड़ा आपको तंग किया, यानी है अभी 4 घंटे वाले कैंडल्स, तो आप लोग अगर अंदाजा लगाओ तो मैं अगर इसको फर्ज करे ब्रेकआउट पॉइंट से लेके अभी तक करता हूँ तो 11 दिन हो गए, और हो सकता है आप ट्रेड में फंसे हुए 11 दिन हो गए। तो जिस जगह पे आपने एंट्री ली है, देख लें कि आप लोग क्या वहां पे कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, अगर वहां पे कोई इम्बैलेंस आपको मिला, कोई गैप मिला,
तो आप लोग अपना इतना घबराना नहीं, आप लोग ने इंतजार कर, बेशक 7 दिन लगे, 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, कभी कभी जल्दी हो जाता है, 4 5 8 10 दिन में भी हो जाता है, तो 3 दिन में भी हो जाता है, तो आप लोग कभी कभी इंतजार किया करें उसका, मगर एक लाइन जरूर वहां पे लगा लें इस तरह, या फिर कोई बॉक्स ड्रॉ कर ले उसके आसपास भी अगर आता है और उसके बिल्कुल अंदर भी चले जाता है, तो आप लोग ये देखो कि भाई यार अभी ब्रेक इवन पे आ गया हूँ, अपना ट्रेड आप बंद कर लो, क्योंकि मोस्ट लाइकली बेरिश रिटेस्ट है, जिसका मतलब ये है कि वहां पे माल उठाने आया, उसके बाद धड़म नीचे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे जाते हैं जरा, यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता करते करते डम आ गया भाई, आपके तकरीबन ब्रेक इवन पे आ गया, इन केस अगर आप लोगों ने ट्रेड यहाँ कहीं से लिया, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे, मे बी कोई 1% का लॉस चल रहा है शायद, ये आ गया पूरा पूरा ब्रेक इवन पे, बल शायद हो सकता है आपके ब्रेक इवन से भी ऊपर आ गया हो अगर आप लोगों ने यहाँ नीचे कहीं ट्रेड किया हो, ठीक है जी। अब अमूमन जो लोग हैं ना, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो नूब्स हैं, और इन अदर वर्ड्स जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि बस आओ अभी तो जाएगा ऊपर, अभी तो हमने इस पे तावीज काटा है, ये तो ऊपर जाएगा, पता चला है कि भाई वहां से वो धड़ाम वापिस नीचे, ये सिनारियो, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, जरा देखें जरा प्राइस एक्शन, ये जो बिहेवियर है पूरा प्राइस का, ये प्राइस बिहेवियर इसको देखें वर्सेस आप जो है ये बाकियों को देखिए, थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हल्का फुल्का डग 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 डग, जिगजैग जिगजैग से, यहाँ से पैसा उठाने के बाद सीधा नीचे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे और इम्बेलेंस भी क्रिएट होते हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पूरा आपका एरिया ना इस जगह, ठीक, एक और यहाँ पे वो लगा लेते हैं छोटा सा, ठीक, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग लिक्विडिटी, जिसके बाद से क्या हुआ है और वजह क्या है उसकी, वजह ये है कि यहाँ से आप देखो यहाँ पे बाइंग लिक्विडिटी हमारी ठीक ठाक, यहाँ पे माल उठाने के बाद पहले उठाया, सारा नहीं उठा सका क्योंकि वेरी क्विक ड्रॉप किया, या सॉरी क्विक मूव किया, एक किस्म का इम्पल्सिव टाइप, और उसके बाद आप देखो दोबारा से विक मारा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, जिसको हम भी जानते हैं बच्चों वाले अल्फाज में, हम उसको जानते हैं एज अ स्कैम विक, स्कैम विक का मतलब होता है कि लिक्विडिटी या लिक्विडेशन करना, यानी मतलब ये कि किसी ने लॉन्ग वॉन्ग किया ना, तो उसको ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगवा देना या उसको लिक्विडेट कर देना, ठीक है, इस चीज को हम जो है वो स्कैम विक भी बोलते हैं, कि जिधर हम कहते हैं कि मार्केट मेकर्स आपके साथ थोड़ा बहुत जो है वो खिलवाड़ करते हैं, आपके बच्चों वाले इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें होती हैं। बहरहाल, यहाँ से ऊपर गया, नहीं उठाया सारा वापस, बूम, फिर उसके बाद दोबारा सारा उठाने के बाद फिर ऊपर गए हो आप, दोबारा से इधर आए हो, जितना भी माल पड़ा था आपके पास सारा उठाने के बाद ऊपर गए। अब ये तो एक ही दफा में भी ऊपर जा सकते हो, चलो एक नहीं 2 मरतबा भी ऊपर जा सकते हो, मगर ये 2 मरतबा भी नहीं है, 3 मरतबा, 4 मरतबा, बल्कि 4 मरतबा के बाद ही ऊपर गए, जितना भी यहाँ पे माल पड़ा था सबको खाली किया, और अगर आप लोग नीचे थोड़ा सा ध्यान दो तो आप ये देखो, हालांकि ये इस पे यकीन नहीं कर, ये 2 नंबर है, लेकिन काफी हद तक आपको ये एक इंडिकेशन दे देता है, मगर इसमें से बहुत कुछ है जो 2 नंबर है वो किसी और वक्त आप लोगों को समझाऊंगा कि असल वॉल्यूम कहाँ से ट्रैक करना। बारह, यहाँ पे देखें अच्छा खासा बूम बूम करते करते, अच्छा खासा जितना भी पड़ा था वॉल्यूम कम भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उठाना शुरू हो गया, उसके बाद से आप ऊपर, एंड देन अगेन इधर देखें यहाँ पे क्या शो, जबरदस्त किस्म का वॉल्यूम, हियर 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 एंड देन बूम ऑल द वे अप, यहाँ पे जो है आपका लिक्विडिटी उठाया, उठाने के बाद सीधा नीचे, जितने लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे उसको, जितने लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे उन सब की जो है वाट लगाई, सबको सीधा गुलशन इकबाल काले दरवाजे में भेज दी,